नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरि नारायण कुमार। आप देख रहे हैं बीएसटी ऑल टिप्स। आप सभी का बीएसटी ऑल टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। उनके प्रोडक्ट की गुणवत्ता क्या है, बेहतर गुणवत्ता के जो अपने माल हैं प्रोडक्ट, कोशिश ये करना होगा कि कीमत जो है हम यथासंभव रीजनेबल रखें। हम बाजार में कुछ जाते हैं खरीदने के लिए, तो क्या हम महंगे चीज ढूंढ रहे होते हैं या चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर माल मिल जाए और कम से कम? तो आपको अब जो बात में कि प्रॉफिट मार्जिन थोड़ी कम भी हो लेकिन हमारा माल ज्यादा बिके, टड़ाई होते हैं वो हिसाब किताब कई बार नहीं लिख पाते, तो आप टिकट देना होता है। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है, हर आवेदन करता थे उसमें से लगभग 7000 से ऊपर कई लोगों का चयन हुआ है, तो आप लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। मैं इसलिए आप सभी को बधाई देता हूं कि आप 2,23,000 में से 7000 जो है लाभार्थी हैं उसमें से आए हैं। आप सोच सकते हैं कि कितने, और ये कंप्यूटर के द्वारा जनरेट की गई थी प्राप्त राशि को हम कैसे बेहतर से बेहतर इसका यूटिलाइजेशन करें जब भी खर्च करें। ठीक है, हिंदी की एक बहुत देशी सी लाइन है, कहते हैं पहले लिख फिर दे, भूल पड़े कागज से ले। तो जब भी हम पैसा किसी को दें पहले हम उसको लिख लें, उसके पेमेंट्स का इस्तेमाल करें। पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। कोई कैश देना पड़ रहा है तो पहले आप अपने रजिस्टर में नोट कर लें। A few moments later. दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपके एक लाइक से मेरा मनोबल दोगुना हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर। एक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट होता है, हिसाब जो भी आप खर्च करते हैं हिसाब किताब आपको रखना, भी खर्च का ब्यौरा है उसको आपको सबूत के रूप में आपको रख लेना है। जो डिजिटल पेमेंट है उस पर फोकस करना चाहिए। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के बारे में इन्होंने बताया है, आप इनको फिर रिप्ले करके आप देख सकते हैं कि पहले लिख और पीछे दें। इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि पहले लिख लीजिएगा कि भाई पहले लिख लीजिए तब उसके बाद आप दीजिए, भूल पड़े कागज़ से लें, भूल पड़े कागज़ से लें। तो पहले लिख और पीछे दें, भूल पड़े कागज़ से लें। A few moments later. कंपटीशन इस व्यवसाय में और कितने लोग हैं, उनके प्रोडक्ट की गुणवत्ता क्या है, उनके प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, कितनी कीमत है, ताकि हमें प्रयास करना होगा कि हमें बेहतर गुणवत्ता के जो अपने माल हैं प्रोडक्ट्स हैं उनको मार्केट में देना होगा, और कोशिश ये करना होगा कि कीमत जो है हम यथासंभव रीजनेबल रखें, मतलब कम कीमत बेहतर गुणवत्ता, तो ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में ज्यादा बिकते हैं। जब आप सोच कर देखें, हम बाजार में कुछ जाते हैं खरीदने के लिए तो क्या हम महंगे चीज ढूंढ रहे होते हैं या चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर माल मिल जाए और कम से कम? तो आपको अब जो कस्टमर्स हैं उनके अंतर मन की भावनाओं को समझना होगा, उसको सम्मान देना होगा और अपने प्रोडक्ट्स को प्रयास करना होगा कि हम बेहतर से बेहतर गुणवत्ता के प्रोडक्ट्स मार्केट में लाएं, ताकि हमारा जो कस्टमर है, और हम एक ही दिन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर लें, नहीं, कोशिश करें शुरुआत में कि हमें प्रॉफिट मार्जिन थोड़ी कम भी हो लेकिन हमारा माल ज्यादा बिके, टर्नओवर ज्यादा हो। तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले कुछ लोग सोचते हैं कि प्राइस अगर हमारा 5 रुपया लागत है तो इसको 10 में बेच दो, नहीं, कोशिश करें कि हम कम मार्जिन पर बेचें ताकि मार्केट शेयर हमारा बढ़ जाए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो नए रूप व्यवसायी होते हैं वो हिसाब किताब कई बार नहीं लिख पाते, तो आपसे विनम्र निवेदन होगा कि आप अपना एक रजिस्टर जरूर मेंटेन करें, ताकि कल के डेट में जब आपको अपना यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना होता है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि आपने पैसे को कैसे व्यय किया और उसको सीए से सर्टिफाई करा के देना होता, तो आप सीए आपका जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट तब बनाएगा जब आप अपना हिसाब किताब बनाकर रखेंगे, रजिस्टर में ही सही लिख लें, हिंदी में ही लिखेंगे, ठीक है हमने इतना पैसा मशीन पे खर्च किया, इतना रॉ मटेरियल पे खर्च किया, इतना सैलरी पे खर्च किया, इतना बिजली बिल पे खर्च किया, इत्यादि इत्यादि, और अधिक से अधिक चीजों का आप रसीद अपने पास रखें, ताकि कल को अगर कोई भी अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर ऑडिट करता है तो आपके पास जितने अधिक से अधिक खर्च के आपके पास सबूत रहेंगे आपके लिए उतना ही श्रेयस्कर रहेगा। तो मैं यह जानता हूं कि आप लोग जो हैं कुल 2,23,000 आवेदन करता थे उसमें से लगभग 7,000 से ऊपर कई लोगों का चयन हुआ है, तो आप लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। मैं इसलिए आप सभी को बधाई देता हूं कि आप 2,23,000 में से 7,000
जो लाभार्थी हैं उसमें से आए हैं, आप सोच सकते हैं कि कितने। और ये कंप्यूटर के द्वारा जनरेट की गई थी, पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो फेसबुक लाइव देख रहे थे जिस समय से, तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। लेकिन अब आगे और भी मेहनत करनी पड़ेगी कि इस प्राप्त राशि को हम कैसे बेहतर से बेहतर इसका यूटिलाइजेशन करें, सही जगह पर खर्च करें, कम से कम कीमत में हम कैसे प्लांट और मशीनरी लगा सकते हैं, कम से कम कीमत में हम रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं, कम से कम कीमत पर हम उत्पादन कर सकते हैं, तभी हम जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको कम कीमत पर हम अपना माल बेच सकते हैं। अगर हम सारी कीमत, अगर मशीन महंगी खरीद ली, रॉ मटेरियल्स महंगा खरीद लिया, तो क्या हम कम कीमत पर उत्पाद बेच पाएंगे? तो हमें बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से काम, बहुत समझदारी से काम करना होगा, अपने पैसे को बहुत संभाल के खर्च करना है, पैसे को बहुत। और जब हम पैसे को और जब भी खर्च करें, ठीक है, हिंदी की एक बहुत देशी सी लाइन है, कहते हैं पहले लिख फिर दे, भूल पड़े कागज से ले। तो जब भी हम पैसा किसी को दें, पहले हम उसको लिख लें, उसके बाद ही दें। कोशिश करें अधिक से अधिक हम डिजिटल पेमेंट्स का इस्तेमाल करें, पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, बड़े आसानी से आप कर सकते हैं, या नहीं हो तो चेक से पेमेंट करें। और अगर मजबूरी में कोई कैश देना पड़ रहा है तो पहले आप अपने रजिस्टर में नोट कर लें। सबसे बड़ी दिक्कत होती है जो नए उद्यम। आपने जो यहाँ पे सुना है उसमें इनका मिलने क्या कहना था वो समझिए। एक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट होता है, हिसाब जो भी आप खर्च करते हैं हिसाब किताब आपको रखना चाहिए, क्योंकि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो उसमें आपका ये सब जो भी खर्च का ब्यौरा है उसको आपको सबूत के रूप में आपको रख लेना है। अधिक से अधिक आपको ये करना चाहिए कि जितने सारे आप खर्च करते हैं पैसा को, उसको खर्च का सबूत के तौर पर आपको रखना चाहिए। और इन्होंने ये भी बात इन्होंने कहा है कि जो भी मशीन पे आप महंगा मशीन आप खरीद लेंगे तो उस पर आपको नहीं जाना है, कि कम से कम दाम में आपका मशीन हो जाना चाहिए और पैसे उसको बचा करके रखना है। और इसीलिए इन्होंने क्या कहा है सो समझिए, कि इनका कहना है कि ज़्यादातर आपको जो डिजिटल पेमेंट है उस पर फोकस करना चाहिए, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, और चेक के माध्यम से आप ज़्यादा चाहें तो आपको खर्च करना चाहिए, क्योंकि चेक भी किसी को देंगे तो आपको सबूत के तौर पर एक आपका मिसाल रह जाएगा। इसीलिए अगर हो सकता है कि मजबूरी में कैश देना हो तो उसको क्या करना है कि पहले रजिस्टर पे मेंटेनेंस कर देना है, रजिस्टर पर नोट करते जाना है, क्योंकि यह यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट में आपको काम करेगा, मदद हो सकता है। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के बारे में इन्होंने बताया है, आप इनको फिर रिप्ले करके आप देख सकते हैं। और जो भी प्राप्त राशि है उसको सही जगह पर आपको खर्च करना चाहिए। एक हिंदी का कहावत पर इन्होंने कहा है कि पहले लिख और पीछे दें, यानी किसी को मान लेते हैं पैसा अगर मजबूरी में आपको उधार देना है, चाहे किसी को कैश के रूप में आपको लेना है या देना है, तो उसमें क्या करना है कि इन्होंने बताया कि पहले लिख और पीछे दें। इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि पहले लिख लीजिएगा कि भाई पहले लिख लीजिए तब उसके बाद आप दीजिए, भूल पर एक कागज़ से ले, अगर हो सकता है किसी को आप उधार दिए हों, अगर भूल पड़ा तो कागज़ में जा करके देख सकते हैं, ओ मैंने तो किसी को दिया था, तो वही है भूल परे कागज़ से लें। तो पहले लिख और पीछे दें, भूल परे कागज़ से लें। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मस्ट बी पुट इन राइटिंग, जो भी वित्तीय आपका लेन देन है उसको लिखित रूप में आपको रखा जाना चाहिए। इस बात से आप लोग कितना सहमत है हमें बताएं। नमस्कार, मैं हूं हरि नारायण कुमार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप इस प्रकार के कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए बीएसटी ऑल टिप्स। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए बीएसटी टाइप करना है, बीएसटी ऑल टिप्स टाइप करना है, बीएसटी एक साथ रहेगा, ऑल एक साथ रहेगा, टिप्स एक साथ रहेगा, टाइप करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मेरा लॉगो भी लग रहा है। उद्यमी योजना और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की जानकारी के लिए आप ज्वाइन करें उद्यमी योजना ग्रुप। ये स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, इतना लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है। UDYAMI योजना करके आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो ये लोगो आ जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं।